बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं YouTube चैनल में नकली चांद। पाकिस्तान में जो चाइनीज़ कंपनीज वजूद में आई मोबाइल इंडस्ट्री के साथ साथ दीगर इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में, उसके अंदर इनकलाबी तब्दीलियां सामने आईं। उसकी वजह बुनियादी तौर पर यह थी कि उनके आने से पहले इंग्लैंड, अमेरिका, दीगर ममालिक की अशिया पाकिस्तान में दस्तियाब होती थी और उसके रेट मुकाबलतन चाइना की अशिया के काफ़ी महंगे होते थे। जैसे ही मोबाइल इंडस्ट्री के अंदर पाकिस्तान में चाइनीज़ कंपनी वजूद में आई तो रेट के मामले में काफ़ी फ़र्क देखने के बायस उनकी मकबूलियत में इजाफा होता चला गया। शुरू में उसके अंदर जो है लोगों ने मीखें निकाली, कमज़ोरियां जाहिर की कि ये चलेंगे नहीं, लेकिन बाद में अमली तौर पर जब उनको इस्तेमाल किया तो उसके और दीगर ब्रांड के मामलात में फ़र्क इतना नज़र नहीं आया। आज पोजीशन ये है कि दुनिया भर में जो टॉप पोजीशन पे मोबाइल टॉप 5 होते हैं उसमें कम से कम हर वक्त 2 से 3 जो है वो चाइनीज़ ब्रांड नज़र आती है। ये तमीज आपको इस वजह से मैं सुना रहा हूँ ताकि आपके जहन में रहे कि आज पाकिस्तान में दुनिया भर की तरह चाइना के मोबाइल की पोजीशन और मकबूलियत कहाँ खड़ी है। पाकिस्तान में जो मौजूदा हुकूमत काम कर रही है उसकी कई तब्दीलियां, कई मामला जिसमें इंपोर्ट के अंदर बहुत सारी जो बंदिशें हैं, एक्सपोर्ट के अंदर आपको तरगीब है, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि बुनियादी तौर पर जब डॉलर्स जिसका अहम किरदार होता है दुनिया भर में, पाकिस्तान में जो अशिया मंगवानी हो या पाकिस्तान से कोई अशिया भिजवानी हो तो हम डॉलर्स के अंदर ही उसकी अदायगी को तरजीह देते हैं, अदायगी लेने या देने दोनों सूरत में। यहाँ पोजीशन इस वक्त ये हो रही है कि कुछ कंपनीज चाइनीज़ की जो बाखबर ज़राए हमको इत्तला दे रहे हैं, कुछ पाकिस्तान में मोबाइल इंडस्ट्री की कुछ कंपनियाँ पाकिस्तान से अपना चैप्टर क्लोज करने की तरफ जा रहे हैं और ये धमाका खेज खबर आपके लिए इस वजह से नज़र आएगी कि वो कंपनियां मुनाफे के हिसाब से, सेल के हिसाब से, मकबूलियत के हिसाब से पाकिस्तान में दुनिया भर की तरह एक मकाम हासिल कर चुकी थी, लेकिन कुछ मामलात बिगड़ने के बायस जो बाखबर ज़राए इत्तला दे रहे हैं उसमें तस्दीक या तरदीद का मैटर हमारा नहीं है, वो ज़राए तस्दीक और तरदीद कर सकते हैं। हम नाम किसी का ले रहे नहीं हैं, लेकिन जो पाकिस्तान में हालिया दिनों में कुछ गैर मुल्की दौरे ये जो कराए और जो उम्मीदें बांध रहे हैं, जो पहले घुमा चुके हैं और पोजीशन इब्तदाई दिनों में पाकिस्तान के अंदर एंट्री दे चुके हैं, उनके मामलात बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे। कुछ उनके अपने मैटर के बायस जो हुकूमत के साथ उनके कोटे से लेके दीगर मामलात में चल रहे हैं, उनमें से कुछ कंपनियां यानी जो चंद कंपनियों में से एक इसी साल जो बड़े पैमाने पे एंट्री दे चुके हैं वो अब एक नया कदम बढ़ाने की तरफ जा रहे हैं, मतलब प्रिंसिपलशिप से उनके मामलात क्लोज की तरफ जाने की तरफ गामजन हैं। ये इत्तला बाखबर ज़राए दे रहे हैं और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हासिल करने वाले अब उसकी प्रोटेक्शन की डिस्ट्रीब्यूशन लेना चाहते हैं कोटे के हिसाब से। तो उसमें 3 इदारे बड़े दिलचस्पी ले रहे हैं उस ब्रांड के लिए, जिसमें से एक पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ब्रांड्स के हकूक रखता है, दूसरा जो हालिया दिनों में अपने जो असम्बलिंग प्लांट के अलावा मुख्तलिफ शोबे यानी मुख्तलिफ ब्रांड्स के, लेकिन तादाद उसकी कम है लेकिन दुनिया की मारू ब्रांड उनके पास है। तीसरा एक और इदारा है जो इसमें कूद पड़ा है, वो भी चाहता है कि वो इदारे के हकूक उसको हासिल हो जाएं ताकि वो असम्बलिंग प्लांट के ज़रिए कोटा जो उसको मिले प्रोडक्शन तैयार करके मार्केट में दे दे। इसके अलावा 2 जो दीगर ब्रांड मैंने जिसका तस्करा किया वो संजीदगी से सोच रहे हैं कि अपना चैप्टर
यहाँ में थोड़ा कम किया जाए या उसको भी डिस्ट्रीब्यूशन के तौर पे दे दिया जाए जो ताहल नहीं दे सके। अब देखना ये है होता क्या है, हो रहा है वो जो मार्केट की पोजीशन, कारोबार की पोजीशन देख के फैसले करने की तरफ जा रहे हैं, क्या सही और क्या गलत, ये फैसला कंपनियों ने करना है अपने मफादात को देख के। लेकिन जो नज़र आ रहा है बज़ाहिर, वो ये बता रहा है कि वो अपना सिस्टम को बेहतर करने के लिए या जो भी कुछ करने के लिए लपेट रहे हैं, और उसको या तो दूसरे के हवाले किए जाने के इम्कान है या उसको महदूद करने के इम्कान है। तो जाने से पहले एक आपको इत्तला और दूं कि एक बड़ी खबर है, वो है कोटा सिस्टम जो दिया गया है, यानी मिकदार का या एलसी खोलने का या जो भी आप कहें, उसमें बहुत सारे मामला ज़ेर बहस आ सकते हैं। इसकी स्टोरी नेक्स्ट, उम्मीद की जा रही है कि नेक्स्ट वीडियो में अपने आपके सामने पेश करूंगा कि क्या सही और क्या गलत। जाने से पहले आपसे फिर अपील करता हूं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर करें ताकि आपकी आवाज़ लोगों में दुनिया भर में पहुंच सके। फ़ी अमान अल्लाह।